हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनमें से अगर आपको एक के भी दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और आपके घर पर धन की बरसात हो सकती है। दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शायद इसीलिए घर से निकलते समय माताएं अपने बच्चों को दही खिलाती है जिससे उनके बच्चे का दिन अच्छा बीते। हमारे पुराणों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो अगर सुबह के समय घटित हो तो यह संकेत होता है कि आपका पूरा दिन शानदार बीतने वाला है। हम आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप सुबह उठकर देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हाथों में ब्रह्मा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती का वास होता है, इसीलिए सुबह सुबह इन्हें देखना शुभ माना जाता है। नंबर 2, घर से निकलते समय अगर सुबह सुबह आपको गाय दिख जाए या कोई गाय का दूध निकाल रहा हो तो यह शुभ माना जाता है। गाय के बछड़े को दूध पीते हुए देखना भी शुभ माना गया है। नंबर 3, सुबह सुबह पक्षियों को देखना और उनकी चहचहाहट को सुनना भी शुभ होता है। इसके साथ ही सुबह के समय यदि आपको सफ़ेद फूल, हाथी या अपना कोई मित्र दिख जाए तो उसे भी शुभ माना जाता है। नंबर 4, सुबह के समय यदि आपको हवन होता दिखे या आग दिखे, विशेष रूप से यदि वह अग्नि हवन कुंड की हो तो यह बेहद शुभ होता है। अग्नि आपके जीवन की सभी बुराइयों को जलाकर आपके जीवन को शुभ बनाती है। नंबर 5, पुराणों में सुहागिन स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है। सुबह सुहागन स्त्री का दिखना भी शुभ होता है। ऐसा कहा गया है कि यह स्त्री घर की ना होकर बाहर की होनी चाहिए। अगर रास्ते में जाते हुए सुहागन स्त्री दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 6, सुबह के समय अगर आरती होती दिखे तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आरती मन के सभी विकारों को दूर करती है। नंबर 7, मंदिर की घंटी सुनाई देना भी शुभ संकेत माना गया है। आप सुबह के समय घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले हैं और रास्ते में आपको मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के दर्शन हो जाए तो यह शुभ होता है। नंबर 8, सुबह सुबह गोबर, सोना या तांबा देखना भी शुभ माना गया है। यह वस्तुएं आपको प्रकृति से जोड़े रखती है और आपका दिन शुभ बनाती है। नंबर 9, सुबह के समय सूर्योदय यानी उगते हुए सूर्य के दर्शन करना शुभ माना जाता है। इससे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। सुबह के समय हरी घास देखना भी शुभ होता है। नंबर 10, अगर सुबह के समय किसी नदी के दर्शन हो जाए तो यह शुभ माना जाता है। नदी का अर्थ प्रगतिशील होता है। नदी के बहाव की तरह ही जीवन का बहाव होता है। जीवन को नदी की तरह ही सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताए 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें से अगर आपको किसी के भी दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका दिन बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।